गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने वर्गीकी के संवर्गों का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें हमने आपको सबसे पहला वर्गीकी का जो संवर्ग है जिसका नाम है जाति, उस पर आपसे चर्चा कर चुके हैं और आपको हम बता चुके हैं कि जाति जो है वो वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई होती है, साथ में हमने आपको बताया कि जाति जो होती है वह वर्गीकरण की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इज इट राइट? उसके बाद हमने आपसे बात की थी वंश के बारे में। वंश की परिभाषा हमने आपको दी थी कि निकटवर्ती व आपसी संबंध रखने वाले, निकटवर्ती व आपसी संबंध रखने वाली जातियों के समूह को वंश कहा जाता है। उसके पश्चात हमने आपको कुलों के बारे में बताया। समान लक्षण रखने वाले संबंधित वंशों के समूह को क्या कहा जाता है? कुल कहा जाता है। समान लक्षण रखने वाले संबंधित वंशों के समूह को क्या कहा जाता है? कुल कहा जाता है। देखिए, आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो गण के ऊपर चर्चा करेंगे, वर्ग के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है, संघ के ऊपर चर्चा करेंगे और जाति के ऊपर आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, आपको सबसे पहले बात कर रहे हैं गण के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी। क्लास 11th लेसन फर्स्ट, ये आप एंडिंग की ओर चल रहा है लेसन फर्स्ट, द लिविंग वर्ड, लिविंग वर्ड। और आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्सॉन, संवर्गों का वर्णन, ठीक है, जिसमें आज जो हम संवर्गों का अध्ययन करेंगे वो है गण, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर या गण, ठीक है। देखिए, गण को समझने के लिए, ठीक है, गण को समझने के लिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे फैलेडी कुल होता है, फैलेडी कुल के अंदर कौन आते हैं मैं आपको बता दूं, फैलेडी कुल में शेर और चीता आते हैं, और दूसरा कुल होता है कैनोडी। फैलेडी कुल और कैनेडी कुल, कैनेडी कुल में कौन आता है? कुत्ता आता है। तो हम बात कर रहे हैं फैमिली, कौन कौन सी फैमिली के बारे में? फैलेडी, और दूसरा कौन सा कुल है? कैनोडी। फैलोडी में मैंने आपको बताया शेर और कौन आता है बेटा? चीता आता है, और कैनोडी के अंदर कौन आता है? कुत्ता आता है, ठीक है। ये फैलेडी और कैनेडी जो होते हैं, ये दोनों कुल जो होते हैं उन्हें कॉर्निवोरा में रखा गया है। इसमें रखा है इन दोनों को? कॉर्निवोरा में रखा गया है क्योंकि इस कुल के लक्षणों के, इन दोनों कुलों के जो लक्षण होते हैं वो लगभग कैसे होते हैं? समान होते हैं। अर्थात समान लक्षण रखने वाले कुलों के समूह को ही क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं,
देखिए सोलेनेसी कुल होता है जिसमें आलू बैंगन टमाटर आता है, सोलेनेसी कुल, ठीक है, पादपों में बात कर रहे हैं। एक होता है सोलेनेसी कुल और दूसरा कुल का नाम है कॉन वॉल व्यू लेसी, कॉन कॉन वॉल व्यू लेसी। देखिए सोलेनेसी और कॉलेनेसी दोनों कुल जो होते हैं, इन दोनों के लक्षण जो होते हैं, ये दोनों कुलों के लक्षण लगभग समान होते हैं और दोनों के लक्षण समान होने के कारण इन्हें किस गण में रखा है, पॉलीसोलिनियल्स के अंदर रखा गया है। कौन से गण में रखा है, पॉलीसोलिनियल्स एल्स में रखा गया है, ठीक है, ये गण है। जैसे मैंने बताया फैलेडी और कैनोडी, ये दोनों कुलों के जो लक्षण होते हैं, ठीक है, इन दोनों लक्षणों के, दोनों कुलों के जो लक्षण होते हैं वो समान होते हैं। फैलेडी और कैनोडी, ये दोनों कुलों के लक्षण समान होने के कारण इन दोनों कुलों को कौन से गण में रखा गया है, कॉर्निवोरा गण के अंदर क्या है, रखा गया है। इसी तरीके से पादपों में सोलेनेसी और कॉनवोल्यूलेसी, ठीक है, इन दोनों के कुल, दोनों कुल जो होते हैं इन दोनों के लक्षण लगभग समान होते हैं, इसलिए इन दोनों कुलों को कौन से गण में रखा गया है, पॉलीसोनियल्स में रखा गया है। अर्थात समान लक्षण रखने वाले, समान लक्षण रखने वाले कुलों के समूह को ही क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है। समान लक्षण रखने वाले कुलों के समूह को ही क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है, ठीक है। तो जिनके लक्षण ऐसे कुल, जिनके लक्षण कैसे हो, समान हो, उन कुलों के समूह को ही क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है। तो गण की परिभाषा आपकी सुनने आगे होगी कि समान लक्षण रखने वाले कुलों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको बता दिया है, एक फैलेडी कुल होता है शेर चीते का, एक कैनोडी कुल होता है जो कुत्ते का होता है। इन दोनों के जो लक्षण होते हैं, दोनों कुलों के लक्षण होते हैं वो लगभग समान होते हैं, इसलिए दोनों के लक्षण समान होने के कारण इनको किस में रखा गया है, कार्निवोरा गण के अंदर क्या है, रखा गया। गण के बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा आज का और वो है वर्ग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लास के नाम से क्या है, जाना जाता है। देखिए आइए बात करते हैं वर्ग क्या है। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, कुत्ता है, ठीक है, ये सारे मानव है, ये सब किस में आते हैं, स्तनधारी वर्ग के अंदर आते हैं। किस में आते हैं, स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, ऊंट, जितने भी आप जंतु देख रहे हैं, ठीक है, वो सारे जंतु कौन से हैं, स्तनधारी वर्ग में आते हैं। परंतु जैसे हम बात कर रहे हैं, मक्खी है, मच्छर है, तितली है, ठीक है, इन इन सभी को किस में रखा गया है, इंसेक्टा वर्ग में रखा गया है। जैसे गाय, भैंस, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मानव, इन सभी को कौन से वर्ग में रखा गया है, स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। एज लाइक मक्खी होती है, मच्छर होते हैं, तितली होती है, ग्रास हॉपर होता है, इन सभी जंतुओं को किस में रखा गया है, इंसेक्टा वर्ग में रखा गया है। अर्थात ये सभी जंतुओं के, ठीक है, जो गण होते हैं, ठीक है, वो लगभग कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। अर्थात समान लक्षण वाले, समान लक्षण रखने वाले गणों के समूह को ही, समान लक्षण रखने वाले गणों के समूह को ही क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। समान लक्षण रखने वाले गणों के समूह को, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये सारे किस्में आते हैं, स्तनधारी के अंदर आते हैं। मक्खी है, मच्छर है, तितली है, ये सारे किस्में रखा गया है, इनको इंसेक्टा वर्ग के अंदर क्या है, रखा गया।
क्योंकि समान लक्षण रखने वाले गणों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। बात समझ में आ गई? देखिए, वर्ग के बाद हम बात करने जा रहे हैं, अगला बिंदु है संघ। ठीक है, देखिए संघ जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फाइलम, और पादपों में ध्यान से सुनना, जंतुओं में इसको संघ के नाम से जानता है जाना जाता है, और पादपों में इसको डिवीजन या श्रेणी के नाम से क्या है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पादपों में इसे डिवीजन विभाग के नाम से क्या है जाना जाता है। देखिए बात करते हैं संघ के बारे में। ठीक है, संघ क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए कशेरुक दंड की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है, जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। कशेरुक दंड का मतलब है रीढ़ की हड्डी के आधार पर, बैकबोन के आधार पर, नोटोकॉर्ड के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? कशेरुक दंड की उपस्थिति के आधार पर। कशेरुक दंड की उपस्थिति के आधार पर एक होते हैं कॉर्डेटा और दूसरे कौन होते हैं? नॉन कॉर्डेटा। एक होते हैं कॉर्डेटा और दूसरे कौन से होते हैं? नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा को इन संघों में बांटा गया है। कौन से संघ है मैं आपको बता देता हूं। देखिए प्रियंका चोपड़ा का पीए आ आ मेरे पास। ठीक है, देखिए भैया पी का अर्थ हो गया प्रोटोजोआ, सेलेंटेटा, प्लेटे हेलमेंथिस, एसके हेलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और अगला आता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा वास्तविक में क्रम से यहां पे आएगा, प्रोटोजोआ के बाद पॉरीफेरा आएगा। इसके अलावा एक और संघ है जिसको हम बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा। इज इट राइट? ऐसे ही कॉर्डेटा को भी कितने वर्गों में बांटा गया है आप देखिए, एम ए आर ए टी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म में अभी नहीं बता रहा, क्लास के दौरान बताऊंगा। एम का अर्थ होता है स्तनधारी या मैमेलिया, ए का अर्थ होता है एबीज या पक्षी वर्ग, आर का अर्थ होता है रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग, ए का अर्थ होता है एम्फीबिया या उभयचर वर्ग, और पी फोर होता है पिसीज, जिसको मत्स्य वर्ग के नाम से क्या है जाना जाता है। इसलिए हमने आपको बताया कि कशेरुक दंड की उपस्थिति के आधार पर कॉर्डेटा को कितने वर्गों में बांटा है? पांच वर्गों में बांटा है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे चींटी है, बिच्छू है, मक्खी है, केकड़ा है, कॉकरोच है, इन सभी में क्या पाए जाते हैं? संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, और इन्हीं संधि युक्त उपांगों के आधार पर इन सभी जंतुओं को किस में रखा गया है? आर्थोपोडा संघ में रखा गया है। किस में रखा गया है? आर्थोपोडा संघ के अंदर रखा गया है। क्योंकि इन सभी जंतुओं में, चाहे चींटी हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे मक्खी हो, चाहे केकड़ा हो, इन सभी जंतुओं में संधि युक्त क्या पाए जाते हैं? उपांग पाए जाते हैं, और इन्हीं संधि युक्त उपांगों के कारण इन सभी जंतुओं को किस में रखा गया है? आर्थोपोडा संघ के अंतर्गत क्या है रखा गया है। अर्थात ऐसे वर्गों का समूह, ठीक है, या समान लक्षण रखने वाले वर्गों के समूह को ही, समान लक्षण रखने वाले वर्गों के समूह को ही क्या कहा जाता है? संघ कहा जाता है। समान लक्षण रखने वाले वर्गों के समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसे संघ कहा जाता है। या ऐसे वर्गों का समूह जिनमें क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। ऐसे वर्गों का समूह जिनमें क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। भैया चींटी है, बिच्छू है, कॉकरोच है, मक्खी है, केकड़ा है, ये सारे जंतु ऐसे होते हैं जिसमें क्या पाए जाते हैं? संधि युक्त पैर पाए जाते हैं, संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। ऐसे ये क्या है? सारे वर्गों में, जैसे
मैमेलिया है, एबीज है, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, पिसीज है, सब में क्या पाई जाती है? कशेरुक दंड पाई जाती है। कशेरुक दंड पाए जाने के कारण इन्हें किस में रखा गया है? कॉर्डेटा समूह में रखा गया है। इसलिए स्तनधारी, एबीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और पिसीज, इन सभी में कशेरुक दंड पाई जाती है। इन सभी वर्ग कैसे हैं? लगभग समान है, क्योंकि इन सभी वर्गों में क्या पाई जाती है? कशेरुक दंड पाई जाती है। तो हमने यही तो बोला है कि समान, ठीक है, समान लक्षण रखने वाले वर्गों के समूह को क्या कहा जाता है? संघ कहा जाता है, या ऐसे वर्गों का समूह, ऐसे वर्गों का समूह जिसमें क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे संघ कहा जाता है। बात सुनना की। और सबसे अंतिम है हमारा संवर्ग जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, और वो है आज का जगह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं? किंगडम। देखिए जगत पे आपसे बात कर, देखिए जगत को हम समझाने के लिए आपको दो तीन उदाहरण दे रहे हैं। देखिए पृथ्वी पर जितने भी जंतु पाए जाते हैं, उन सभी जंतुओं को किस में रखा जाता है? जंतु जगत में रखा जाता है। इसी तरीके से पृथ्वी पर जितने भी पादप पाए जाते हैं, चाहे थैलोफाइटा का हो, चाहे ब्रायोफाइटा का हो, चाहे टाइडोफाइटा का हो, चाहे जिम्नोस्पर्म का हो, उन सभी पादपों को किस में रखा गया है? पादप जगत के अंदर क्या है? रखा गया। तो हमारा कहने का मतलब है सभी जंतुओं को जंतु जगत में रखा गया है, और सभी पादपों को किस में रखा गया है? पादप जगत में क्या है? रखा गया है। इसी तरीके से सभी प्रोकैरियोटिक प्राणियों को, सभी प्रोकैरियोटिक प्राणियों को मोनेरा में रखा गया है, ठीक है। किस जगत में रखा गया है? मोनेरा जगत में रखा गया है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जगत जो होता है वो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है। जगत जो होता है वो वर्गीकरण की या वर्गीकी की सबसे बड़ी इकाई होती है। किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, या किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जगत जो होता है वो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है, और वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति होती है। बात समझ में आ गई। तो जगत क्या है? जगत वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है। पृथ्वी पर जितने भी पादप पाए जाते हैं, उन्हें पादप जगत के अंतर्गत रखा जाता है, और पृथ्वी पर जितने भी जंतु पाए जाते हैं, उन्हें जंतु जगत के अंदर रखा जाता है। सभी प्रोकैरियोटिक प्राणियों को मोनेरा जगत में भी क्या है? रखा गया है। इसलिए सभी संवर्गों को बढ़ते हुए क्रम में, जितने भी हमारे संवर्ग हैं, संवर्ग कितने बताए कैरोलस लीनियस ने 1758 में? कैरोलस लीनियस ने 1758 में, ठीक है, संवर्गों को, संवर्गों की संख्या 7 बताई। कितनी बताई? 7। और इन्हीं सभी संवर्गों को बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, व्यवस्थित हम निम्न प्रकार से क्या है? निम्न पदानुक्रमों में प्राप्त कर सकते हैं, या निम्न पदानुक्रमों में उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण संवर्ग, जिन पर अभी हमने आपसे चर्चा की है, ठीक है, जिन पर हमने आपसे चर्चा की है, उनमें आपको देखिए सबसे बड़ा है जगत, ठीक है, ये वर्गीकी का सबसे बड़ा संवर्ग होता है। दिस इज द बिगेस्ट या लार्जेस्ट टैक्सोन ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। जगत जो होता है वो वर्गीकरण का सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ी क्या होती है? इकाई होती है। और सबसे छोटी कौन होती है? जाति होती है। सबसे छोटी इकाई, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति होती है। इस जाति से सब बड़ी कौन होती है? जाति से बड़ी जो इकाई होती है उसे वंश कहा जाता है। तो ये दूसरा संवर्ग होता है, जाति से बड़ा संवर्ग कौन होता है? वंश होता है। वंश से बड़ा संवर्ग जो होता है वो कौन होता है बेटा? कुल होता है। कौन होता है? कुल होता है।
देखिए कुल से बड़ा जो संवर्ग होता है वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कौन होता है भैया, गण होता है। गण से बड़ा संवर्ग जो होता है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, गण से बड़ा संवर्ग जो होता है वो कौन होता है, वर्ग होता है। कौन होता है, वर्ग होता है। वर्ग से बड़ा संवर्ग जो होता है वो कौन होता है, संघ या विभाग होता है। संघ या विभाग, संघ जंतुओं के लिए, विभाग पादपों के लिए। और संघ और विभाग से बड़ा कौन होता है, संवर्ग कौन सा होता है, जगत होता है। इसलिए हमने यहां पर सभी संवर्गों को बढ़ते हुए क्रम में बताया। तो ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया। घटता हुआ क्रम कैसा होगा, जगत से छोटा संघ, संघ से छोटा वर्ग, वर्ग से छोटा गण, गण से छोटा संवर्ग कुल होता है, कुल से छोटा संवर्ग कौन होता है, वंश होता है, वंश से छोटा संवर्ग कौन होती है, जाति होती है। क्या होती है, जाति होती है। इसलिए सभी संवर्गों को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जाति के बाद वंश लिखेंगे, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत लिखेंगे। और अगर हम इन्हीं संवर्गों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ा जगत होगा, फिर संघ होगा, फिर वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति होगी। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको सूत्र भी पहले बता दिया था, करिश्मा पठान को फादर जी से शिकायत है। के फोर किंगडम, पी फोर फाइलम, सी फोर क्लास, ओ फोर ऑर्डर, एफ फोर फैमिली, जी फोर जीन्स, एस फोर स्पीसीज। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टैक्सॉन्स। हमने अभी इन्हीं सभी संवर्गों पर विस्तृत रूप से क्या किया है, अध्ययन किया है। ठीक है, देखिए हमने बताया जाति जो होती है वो सबसे क्या होती है, छोटी इकाई होती है। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, निकटवर्ती व आपसी संबंध रखने वाली जातियों के समूह को क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। ठीक है, देखिए समान लक्षण रखने वाले वंशों के समूह को क्या कहा जाता है, कुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुल कहा जाता है। देखिए समान लक्षण रखने वाले कुलों के समूह को क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है। और समान लक्षण रखने वाले गणों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। ठीक है, और हमने कहा कि समान लक्षण रखने वाले वर्गों के समूह को क्या कहा जाता है, संघ कहा जाता है। इन सभी का डिस्क्रिप्शन हमने आपको डिटेल से बताया था और अभी हमने इनको बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको क्या है, बता दिया। इसी के साथ वर्गी की संवर्ग है वो समाप्त हुए और इस पाठ का एक अंतिम टॉपिक रह गया है जिस पर हम आज आपसे उस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्गी की सहायता साधन। ठीक है, वर्गी की सहायता साधन कौन कौन से हैं बेटा, उन पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स और टूल्स, टैक्सोनॉमिकल एड्स और टूल्स। देखिए आज का टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स AIDS और टूल्स, वर्गी की सहायता साधन। ठीक है, वर्गी की सहायता साधन क्या है, देखो वर्गी की सहायता साधन क्या है इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। और वर्गी की सहायता साधन कौन कौन से हैं, ठीक है, इन पर भी हम आपसे आज केवल चर्चा करेंगे, उन पर विस्तृत रूप से अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्गी की सहायता साधन। देखिए पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं, उन पौधों को पहचानने के लिए, उन जंतुओं को पहचानने के लिए या उन पौधे और जंतुओं का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं को हम क्या करेंगे, पहचान करने के लिए,
और उनका क्या करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। पृथ्वी पर बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, उनकी हमें पहचान करनी है, उन जंतुओं का हमें क्या करना है, अध्ययन करने के लिए हमको एक आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है, सुसज्जित प्रयोगशाला की क्या आवश्यकता होती है, ठीक है। और जीवों को, उन जीवों का हम वातावरण के साथ क्या कर सकते हैं, अध्ययन करने की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। अर्थात पादप और जंतुओं को पहचानने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए हमें आधुनिक उपकरण, सुसज्जित प्रयोगशाला एवं उन जीवों के वातावरण के साथ अध्ययन करने की क्या है, आवश्यकता है, ठीक है। उन पौधे और जंतुओं का अध्ययन करने के लिए उनके नमूने हमारे द्वारा क्या किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं। पौधे और जंतुओं का अध्ययन करने के लिए उनके नमूने क्या किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं। और जब उन्हें नमूनों का हमारे द्वारा एकत्रण किया जाता है, तो उन नमूनों का हमारे द्वारा क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने के बाद उनका क्या निकालते हैं, हम प्रेक्षण निकालते हैं। प्रेक्षण के बाद हम विश्लेषण करके, उन जीवों का विश्लेषण करके उनका आसानी से हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण उनका किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है। इसलिए वर्गी की सहायता साधन क्या है, आपको बता दिया हमने कि ऐसे साधन होते हैं जिनका उपयोग, ऐसे साधन जिनका उपयोग किसी भी जीव का वर्गीकरण में, ऐसे साधन जिनका उपयोग किसी जीव के वर्गीकरण में सहायक होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वर्गी की सहायता साधन कहते हैं। अर्थात ऐसे साधन जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के जीवों के वर्गीकरण में हमें सहायता प्राप्त होती है, उसे ही वर्गी की सहायता साधन कहते हैं। देखिए इन नमूनों को, इन नमूनों के रूप में हम निम्न, ठीक है, वर्गी की सहायता साधनों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कौन कौन से वर्गी की सहायता साधनों का उपयोग करते हैं, हम उन सहायक साधनों का नाम बता रहे हैं। पहला है हमारा हर्बेरियम, हर्बेरियम, ठीक है, ये पहला वर्गी की सहायता साधन है। दूसरा वर्गी की सहायता साधन जिस पर हमने आपसे बात करेंगे वो है बॉटनिकल गार्डन्स, वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन जिनको बोलते हैं वानस्पतिक उद्यान के नाम से उन्हें क्या है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। तीसरे होते हैं हमारे संग्रहालय जिनको बोलते हैं म्यूजियम्स, किस नाम से जाना जाता है, म्यूजियम्स जिनको बोलते हैं संग्रहालय। चौथा होता है जूलॉजिकल पार्क यानी कि प्राणी वन उपवन, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क या प्राणी वन उपवन के नाम से उन्हें जाना जाता है। पहला हर्बेरियम, दूसरा वानस्पतिक उद्यान, तीसरा संग्रहालय म्यूजियम्स, चौथा होता है जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। जितने भी जूलॉजिकल पार्क होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। पांचवा हमारा वर्गीकरण का सहायक साधन होता है की, जिसको बोलते हैं कुंजी। तीसरा नेक्स्ट होता है मैनुअल्स, जिनको हम बोलते हैं नियम पुस्तिका। मैनुअल्स को किस नाम से जाना जाता है, नियम पुस्तिका के नाम से उन्हें क्या है, जाना जाता है। और सबसे अंतिम जो होती है जिसको कहा जाता है मोनोग्राफ, क्या बोलते हैं, सबसे अंतिम होता है मोनोग्राफ। ये सारे वर्गी की सहायता साधन होते हैं, ठीक है। वर्गी की सहायता साधन किसे कहते हैं, वे साधन जिनका उपयोग, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीवों के वर्गीकरण में उन सहायक, उन साधनों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। या हम कह सकते हैं वे साधन जिनका उपयोग किसी जीव के वर्गीकरण में सहायता प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्गी की सहायता साधन कहते हैं, ठीक है। और इन वर्गी की सहायता साधन कौन कौन से हैं, नंबर एक हर्बेरियम, नंबर दो वनस्पति उद्यान, नंबर तीन संग्रहालय, नंबर चार प्राणी उपवन,
नंबर 5 कुंजी, नंबर 6 नियम पुस्तिका और नंबर 7 मोनोग्राफ। डियर स्टूडेंट, जब हम इन सभी सातों वर्गी की सहायता साधनों का अध्ययन कर लेंगे तब ये हमारा पाठ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टीचिंग पॉइंट्स व्हाट आई हैव टॉट यू ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल आस्क मी, यू विल टेल मी फ्रीली, ठीक है। आई विल गिव यू ए कॉन्टैक्ट नंबर एंड यू विल कॉन्टैक्ट मी ऑन दीज मोबाइल नंबर 9983030386। टिल देन बी स्टडीड ऑल वीडियोस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल स्टेप्स। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ एंड बी हैप्पी एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।